नमस्कार, लर्न एग्जाम चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर पैडागॉजी सेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट सेशन से एक टॉपिक मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां लेकर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्टिव मेथड्स एंड द ऑब्जेक्टिव मेथड्स, यानी कि आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। सब्जेक्टिव मेथड्स को दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक है आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। आत्मनिरीक्षण विधि इसे इंट्रोसेप्टिव मेथड कहते हैं और गाथा वर्णन विधि को एनेक्डोटल मेथड कहते हैं। ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जहां पर व्यक्ति के विचारों का महत्व ज्यादा हो, और ये ऑब्जेक्टिव है जहां पर व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप उसका महत्व कम हो, वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो जाता है, और जो सब्जेक्टिव है ये इसमें यूनिवर्सलिटी नहीं रहती है, इसमें इंडिविजुअल पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं उनमें एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस हिस्ट्री मेथड, क्लिनिकल मेथड, डेवलपमेंट मेथड, साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, टेस्ट मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, डिफरेंशियल मेथड एंड द साइको फिजिकल मेथड। इन विधियों का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, जिसमें कि छात्रों के मनोभावों को समझा जा सके। इन दोनों में जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बच्चों के मन स्थिति को, बच्चे के विचार को कौन समझेगा? शिक्षा शास्त्री समझेगा और शिक्षक समझेगा। जब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें स्टूडेंट के नेचर को 100% तरीके से, बेहतर तरीके से समझा जा सके, और जो समझने वाला है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव ना पड़े, तो वो ऑब्जेक्टिव मेथड है। और जहां पर समझने वाले के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े, यानी कि छात्र के व्यक्तित्व का, तो छात्र के कैरेक्टर को, उसके नेचर को तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है, और एक शिक्षा शास्त्री या एक साइकेट्रिक मनोवैज्ञानिक कर रहा है। तो अगर शिक्षक, शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक के विचारों का प्रभाव उस स्टडी पर पड़ रहा है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इनके विचारों को महत्व मिल गया है। जिसके विचारों को जानना था, जिसकी स्थिति को जानना था, उसकी स्थिति पर इनकी स्थिति का प्रभाव पड़ गया है, इसलिए वो कहलाता है सब्जेक्टिव। तो इन्हीं विधियों को हम देखेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि जैसे कि आप इंट्रोसेप्टिव मेथड कहते हो, इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है। इंट्रोसेप्टिव आत्मनिरीक्षण, आत्म अपना खुद का निरीक्षण करना। तो जब व्यक्ति अपना खुद का निरीक्षण करेगा, तो जाहिर सी बात है वो अपना निरीक्षण पूरी तरह 100% तरीके से नहीं कर पाएगा। आत्मनिरीक्षण विधि को समझने के लिए अगर ये कहा जाए कि अंधेरे को देखना है कि वह अंधेरा कैसा होता है, जैसे कमरा है रूम है, तो कमरे में अंधेरा है, क्या अंधेरा, कमरे में अंधेरा जो है वो कैसा है, इसको देखना है, क्या किया जाए, कैसे देखोगे बढ़िया तरीके से? कि सर लाइट जला लो भाई कमरे में, तो अंधेरा दिखाई देगा। बस ये स्थिति है इंट्रोसेप्टिव मेथड की। क्या लाइट को जलाकर आप अंधेरे को देख सकते हैं? नहीं। तो खुद अगर कुछ कमी है, खुद गलती है, तो उसे आप कितना ज्यादा जज कर पाओगे? नहीं हो सकता ना। पहले ये चलता था। दूसरा, गाथा वर्णन विधि। इसमें जो व्यक्ति है या छात्र जिसका
जज करना है जिसके नेचर को, उसका एक स्टोरी तैयार की जाए, गाथा यानी कहानी के तौर पर, कहानी के तौर पर। तो उसी को जो है गाथा वर्णन विधि या एनेक्डोटल मेथड कहते हैं। अब ये विधियां शिक्षा मनोविज्ञान में ज्यादा इनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जो कमी है कि ये सब्जेक्टिव होती हैं, इनमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। अब इसमें आगे जो है जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि प्रयोगों को अगर उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा दोहराया जाए तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। इधर निरीक्षण मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इसमें निरीक्षण किया जाता है। व्यवहारवादियों ने इस निरीक्षण मेथड को जो है काफी महत्वपूर्ण माना है, और जो डगलर एंड हॉलैंड जो थिंकर है उन्होंने इसको काफी महत्व दिया निरीक्षण विधि को। इधर केस स्टडी मेथड जो कि जीवन इतिहास विधि कहलाती है, इसमें किसी कारण का निदान ढूंढना मुख्य उद्देश्य होता है, किसी कारण का निदान ढूंढना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और ये बात क्रो एंड क्रो ने कही है। तो ये जीवन इतिहास विधि है। उपचारात्मक विधि क्लिनिकल मेथड, यानी समस्या का व्यक्ति का उपचार करना जो समस्या है। निरीक्षण मेथड में थोड़ा ध्यान देखिएगा कि निरीक्षण मेथड जो है ये दो तरह का होता है निरीक्षण, एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन और दूसरा इनफॉर्मल। टीचर के लिए इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन टीचर स्टूडेंट का करता है उस समय जब बच्चा खेल रहा है या कुछ और काम कर रहा है, कॉरिडोर स्कूल कैंपस में जो है वो मूवमेंट कर रहा है, तो उस समय जो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है उसमें स्टूडेंट के नेचर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड में, कि ऑब्जर्वेशन मेथड में टीचर के लिए स्टूडेंट का नेचर को स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है ऑब्जर्वेशन में, तो वो है इनफॉर्मल मेथड। इधर आगे विकासात्मक मेथड, तो विकासात्मक मेथड जो है डेवलपमेंट मेथड जो है वो निरीक्षण वाले मेथड की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें पूरा स्टूडेंट का पूरे एक लंबे समय तक उसका जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको स्टडी किया जाता है। आगे है साइको एनालिटिक मेथड। इस साइको एनालिटिक मेथड जैसे कि मनोविश्लेषण कहते हैं, इसका इंट्रोड्यूस को फ्रॉड ने किया था, फ्रॉड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस किया जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के अचेतन मन में बहुत सारी चीजें दबी हुई होती हैं, और जब परिस्थितियां उसे मिलती हैं तो वो बातें, वो चीजें उभर कर सामने आती हैं। तो इस अचेतन मन को स्टडी किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया जाता है, और उसमें जो समस्याएं निकल के आती हैं उसमें बच्चे को जो है डायग्नोस किया जाता है, और उसकी उन समस्याओं को, उसके व्यवहार का मार्गांतिकरण किया जाता है जिससे कि वो एक सही रास्ते पर चल सके। आगे तुलनात्मक मेथड, कंपैरेटिव मेथड। इसमें तुलना की जाती है अच्छे और बुरे की, दो अच्छों की सबसे अच्छा क्या है उसकी, दो बुरों की सबसे बुरा क्या है, तो उस ये कंपैरेटिव मेथड होता है। स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल मेथड का यूज तो हर फील्ड में है। जब ये सारे हम मेथड अप्लाई करते हैं तो इसमें भी हम जो एक डाटा तैयार करते हैं कैंडिडेट का, उसमें फैक्ट एंड फिगर होते हैं, और उस फैक्ट एंड फिगर को हम अरेंज करते हैं, तो वही स्टैटिकल मेथड कहलाता है। फैक्ट एंड फिगर को पाई चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, इनमें इस तरह अरेंज करना वही स्टैटिकल मेथड कहलाता है। परीक्षण टेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपका बुद्धि परीक्षा है, व्यक्तित्व परीक्षा है, रुचि परीक्षा है, तो उसमें परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कैंडिडेट का जिससे कि उसके नेचर को जाना जा सके। इंटरव्यू साक्षात्कार विधि, प्रश्न पूछना, साक्षात्कार करना, साक्षात्कार करके प्रश्न पूछकर उससे बातचीत करके उसकी समस्याओं को जानना, उसके पहलुओं को जानना, ये साक्षात्कार विधि में होता है। प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड,
ये भी साक्षात्कार की तरह होता है, लेकिन इसमें साक्षात्कार में जब दो पर्सनैलिटी आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, वो साक्षात्कार कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। प्रश्नावली मेथड में क्या है कि सामने वाले से हमें जानकारी लेनी है, लेकिन वो हमारे सामने नहीं है, हमें उससे जानकारी लेनी, वो हमारे सामने नहीं है, हम उस तक नहीं जा पाते हैं, तो हम एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर उसके पास भेज देते हैं और वो उसमें उस क्वेश्चन के आंसर लिख के हमको वापस कर देता है। इसकी अपनी कुछ लिमिट्स है, क्योंकि क्वेश्चन भेजने वाला, क्वेश्चन जिसको दिया गया है, क्वेश्चन से भेजा गया है, हो सकता है वो आंसर ना दे, या जो हमने क्वेश्चन भेजे हैं वो उन क्वेश्चन के अर्थ को एक अलग अर्थ में देखे। तो ये इस क्वेश्चनियर मेथड का समस्या माना जाता है, इसको भी अधिक वैज्ञानिक नहीं माना गया है। विभेदात्मक डिफरेंशियल मेथड, इसको डेवलप करने में जो कैटालिक थिंकर है उन्होंने काफी कॉपरेट किया है, काफी हेल्प किया है। दो पहलुओं में, दो चीजों में अंतर प्रदर्शित करके उसको, उसके नेचर को स्टडी करना जो है वो डिफरेंशियल मेथड कहलाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक भौतिकी मेथड, साइको फिजिकल मेथड। इसमें मन और शरीर उन दोनों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि शैक्षिक व्यवस्था को, शैक्षिक विधि को और शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ये आपके जो है मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, इनसे प्रश्न आता है, जैसे कि निरीक्षण विधि का मैंने बताया, फॉर्मल और इनफॉर्मल है, टीचर के लिए इनफॉर्मल इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी जो है इसमें, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कारण का, इसका कारण का निदान जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि ये क्रू एंड क्रू ने कहा है। साइकोएनालिटिक फ्रेड इसके इंट्रोड्यूसर है, उसमें अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया जाता है। परीक्षण विधि में बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, रुचि परीक्षण आते हैं, तो इस तरह के ये क्वेश्चन इसमें रहते हैं। डिफरेंशियल मेथड, इसमें कैटल थिंकर है, उनका काफी योगदान रहा है इस विधि को डेवलप करने में। तो इस तरह के प्रश्न जो है इस टॉपिक से आपके आते हैं, जो कि आपको एक निश्चित एक या दो प्रश्न आपको इस टॉपिक से परीक्षा में, टेट की परीक्षा में, सी टेट की परीक्षा में, सुपर टेट के एग्जाम में, जहां पे भी पेडागोजी सिस्टम, चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम से क्वेश्चन रहने हैं, वहां आपको एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको जरूर मिलेगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।